राजन जी, आज आपका डेपुटेशन ज़्यादा कहते कि मिस्टर पॉन्ट से ब्लॉकिंग होने आया, क्या वजह है? वजह यह जनाब कि हमारी एक सड़क है दलान स्कूल से लेकर दीवार आकर तक जी, इसमें इन्होंने हम बहुत दफ़ा पहले भी पेश हुए तो महकमा ने बोला था कि हम इसमें लुक डाल कर देंगे आपको जुलाई से पहले पहले जी, लेकिन आज तक नहीं, एक महीना पहले इन्होंने कुछ रोड़ी थोड़ी सी डाली थी लेकिन लुक नहीं डाली जी। लोग बहुत परेशान हैं, गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी आज क्योंकि रोड़ी डाली है, वो गाड़ियों वाले बोलते हैं कि भाई हमारे टायर जो हैं वो सब ख़राब हो गए तो उसकी वजह से तमाम गाड़ियां आज बंद थी, बीमार भी बेचारे वैसे ही पड़े माल्टी में। तो एक गाड़ी हम लेकर आए बड़ी मुश्किल से कि उनसे बात करेंगे डीसी साहब से या के महकमा से तो आप गाड़ियों को चलाओ, वो बोलते हैं भाई हमारी गाड़ियां सब पंचर होंगी, टायर पंचर हो गए, कैसे चलाएँ गाड़ी। इन्होंने बोला था लुक डालेंगे, आज तक नहीं डाली। तो कौन सा डिपार्टमेंट है जी जो लुक डालेगा? ये PWD, वो बताते हैं ठेकेदार नहीं डालता, ठेकेदार बोलता है वो जो लुक वाला प्लांट है वो नहीं आया है, किश्ती साहब देंगे दूसरा साहब देगा। तो लोगों को तो नहीं ना इस चीज़ का पता कि क्या है क्या नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं, सफ़र हो रहे हैं, रोड जो है वो जो कच्ची है उससे भी बदतर हो गई है क्योंकि रोड ही डाली थी तो उसमें कैसे गाड़ियाँ चलें, बारिशी सीजन है, अब तो बारिश हो गई है, इससे पहले लुक फर्स्ट क्लास पड़ जानी थी लेकिन इन्होंने लुक नहीं डाली है। क्या वजह है कि आज आप ज़िला कलेक्टर पहुँच से मिल रहे हैं, उनके ऑफिस पहुँचे? सर हमारे यहाँ कि मैं बगल दरा का सरपंच जी, हमारे लोगों में यह तकलीफ है सर कि हमारी जी सड़क PMJSY थी आज 10 साल हो गया, उसने उसको काम लगो तो पुलसित रहे, बाकी जेड़ा हमारा बैंकर आया था कलसा है 1971 के बीच ये लोग जेड़ा है ये माजेर की साहब कानूनी बढ़ागा देती है, आज बैंकर आया जनाब कोई ऐसा मारो चारो नहीं चलते कि उस मटीरियल की तरह बचाओ जी, वही रेट हमारा है 4 किलोमीटर है तो वही रेट 10 किलोमीटर है, ये तो मुंडा चाहगा जने रेत बजट जाने पर अब हमने बड़ी परेशानी आवे, याद है हमने गवर्नमेंट उसको जो रेट है उसको एस्टिमेट है उतना थोड़ो जने बताए जाए जिसकी वजह तू हमारा बैंकर कितना ठेकेदार आया नस गया, बगल दरा में 3 बैंकर बनाया ठेकेदारा ने सड़क का धंधा बाकी नस गया, फिर इस वजह तू नस गया कि उस भाई को जने मारो हमारा काटो है इस रेट का पर हम नहीं बनाता जनाब, इस वक्त भी हमारा ग्राम अभी फैर जो है वो इस वेला भी चलने लगो हम बड़ा परेशान हैं। एक दूसरी मारी या सर रिक्वेस्ट है कि जड़ी मारी सड़क है जी, अब सड़क डी सी साहब भी गया, हम डी सी साहब ऋषि साहब ने भी लेकर गया क्योंकि तो मेरा कमांगो डी सी के जो है उसने भी हम 2-3 बारी लेकर गया, वो तो क्या थोड़ो जो कलसा में थोड़ो जो जंग आवा के आवा झाड़ को गैर मुमकिन झाड़ है जंगल नहीं है उस रास्ते अगर कदम हमारा निरगा ही अगर सड़क कटन दे सर तो हम निरगा लेगा सड़क कटागा तो हम तो वो बैंकर अपना जने बना सका, इस वास्ते डी सी साहब को आया कि हमारी ये फरियाद सुनेंगे और हमारी जड़ी ये हल कर देगा जना, हम बड़ा परेशान है। बाकी जड़ा ये हमारा PMJSY वो मकान बने था दुवार जड़ो कराए उसमें कुल 9 आदमी सरवा माया जड़ो मारो बगलदरा हुआ 500-700 आदमी है जड़ो जिसको चुल है अज उत जनाब 200 आदमी आया जेड़ा PMY में आया बाकी जेड़ा लोग हैं वे सरवाई में नहीं आया, उस वाला मास्टर ने पता नहीं किस सेक्रेटरी ने जो सर्वो बनाए वो बिल्कुल गलत बनाए क्योंकि क्या दुवार जेड़ो 600-700 वोट है 700-800 वोट के बीच क्या 9 ही आदमी जने इस PMY का। आप क्या चाहते हैं ये सर्वा दोबारा हो? हम चाहते हैं सर सर्वा दोबारा हो, सर्वा हुआ हमने लिस्ट दी है सरपंच दुखवार वाला सरपंच ने भी दिया और हमने भी दिया, हमारी सरपंच जड़ी हमारी लिस्ट है उसमें वोट ही नहीं कर रहा था उसमें अप्रूवल ही नहीं कर रहा है, हमने वो दारू ऑर्डर है जना पंचायत का भी जो ऑर्डर है कि अगर आज का दिन में जो PMY को अगर कहते हम सर्वा का भी आधार कार्ड या अकाउंट नंबर नहीं देते तो उसके बाद जो नेट बंद हो जाएगा नहीं, हम यह डी सी साहब का ये रिक्वेस्ट करना आया जनाब कि महाराज सर जो सर्वो हुआ दोबारा हमने पंचायत ने कार्यगत जीतो है जो अप्रूवल होना चाहिए हमारा PMY जरा हम बार्डर तू हम तार तू पर लोग इस वक्त भी महाराज सर फैर चल है हम बाहर नहीं जा सकता मारो मार
ਮਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੀਆਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਰ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਯੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਟੀਚਰ ਕੇ ਇਕਦਮ ਜਣੇ ਲੜਕਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਣ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਕਾ ਬੀਚ ਮਾਣਾ ਛੜਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਹਮ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਆਏ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਵਾਰ ਤੇੜਵਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਆਜ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਮੁਰਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਥੀ ਉਸਮੇ ਨੌ ਆਦਮੀ ਆਏ ਹੈ ਦਿਖਵਾਰ ਤੇੜੋਂ ਕੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਵੇ ਜਿਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਲਦੀ ਮੁਝੇ ਸਾਫ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਝੇ ਸਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ ਕੇ ਬੇਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਨਕੇ ਆਪਣੇ ਥੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਥੇ ਉਨਕਾ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਆਏ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੀ, ਹਮੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਹਮਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਰ ਆਪ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗੌਰ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਰਹਾ ਮਸਲਾ, ਜਨਾਬ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਰੋਡ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਬ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹੈ ਹਮ ਯਾਦ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਉਹ ਰੋਡ ਦੇਖੀ ਹਮਾਰੀ ਰੋਡ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਇਤਨੀ ਦਿਖਵਾਤੇ ਜਿਹੜੋ ਕਿ ਰੋਡ ਕੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਕਰਾ ਡਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੇ, PWD ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੇ ਹੋਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਲੁੱਕ ਡਾਲਨੀ ਥੀ, ਆਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਹਮ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਡਾਲ। ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਜ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਆਦਮੀ ਮਾਲਟੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮ 400 ਰੁਪਇਆ ਹਮ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਕੇ ਲੇਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਗਾੜੀ ਮੇ ਬੈਠਾ ਚਲੋ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਪਾਸ 4 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ 400 ਰੁਪਏ ਕਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇ ਲੁੱਕ ਡਾਲ ਦਿਓ, ਹਮ ਗਾੜੀ ਚਲਾਏਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਆਦਮੀ ਸੋ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਮ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਮ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਡਬਲ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਮ ਉਨ੍ਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਂਗੇ, ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਨਕੇ ਆਨੇ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਨਏ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੇਕਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ।